सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल हिमांशु खन्ना वॉइस ओवर्स और uh, कल से हमने एक नया ट्रेंड स्टार्ट करा कि रोज़ मैं कोई ना कोई स्क्रिप्ट उठा के आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो आज है उसका सेकेंड डे इट्स फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर आठ महीने निकल गए हैं दो हज़ार इक्कीस को रियलाइज़ हुआ है नहीं ना सेम ईयर बट खैर सेप्टेंबर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर ये जो अपना लास्ट अब क्वार्टर आएगा क्वार्टर बचा है उसमें एकदम बढ़िया से निकालेंगे जो जो आप अचीव करना चाहते हैं होप आप अचीव करें एंड थैंक्स आपने कल की वीडियो में भी काफ़ी कमेंट्स करे अपने क्वेश्चन पूछे अभी हम स्टूडियो में जाके आई एल ट्राई कि मैं उन कमेंट्स में से कुछ कुछ का रिप्लाई कर सकूँ अल्टीमेटली मेजर कमेंट्स का रिप्लाई तो संडे को करेंगे बट ऐसे ही हम कनेक्टेड रहेंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको जानना चाहता हूँ यार प्लीज़ नीचे कमेंट करिए कि आप कहाँ से हैं मैं अभी बारिश का मज़ा ले रहा हूँ दिल्ली में आप कहाँ से हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आई वो नो यू गाइस सो लेट्स गो into the द स्टूडियो the studio द स्टूडियो चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करते हैं मैग्नेटिक uh, बुक्स कहते हैं सर बहुमूल्य वीडियो है आपका वॉइस ओवर की बारीकियां जो आपने बताई काफी महत्वपूर्ण है शुक्रिया बहुत बहुत थैंक्स आपको कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई एंड ऐसे ही हम लोग रोज वीडियो बनाते रहेंगे तो आपको और बहुमूल्य इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी देन आई आई एम आर्टिस्ट एंड हैव अ गुड कमांड ऑन वॉइस एंड लैंग्वेज प्लीज सजेस्ट हाउ टू कॉन्टेक्ट यू सर मिमिक्री आर्टिस्ट हैं अच्छी बात है बट मिमिक्री एंड वॉइस ओवर्स अलग होते हैं तो आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हैं मुझसे क्यों कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं प्लीज आप नीचे कमेंट करके बताइए एंड अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं तो देखिए मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड नहीं करता जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ वो इस चैनल पे है तो आप इससे कनेक्टेड रह के सारी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं बहुत ही बढ़िया वीडियो थी सर ये महिमा जी कहती हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एट वन पॉइंट इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि वन ऑन वन सेशन हो रहा है यस वन ऑन वन सेशन की तरह इसको लेके चलेंगे ताकि आपको किसी चीज़ की कहीं महसूस ना हो एंड पिछला कमेंट था टेक्निकल कलाकार का तो मैं सॉरी नाम बोलना भूल गया था देन मुझे नहीं पता ये ठीक से प्रोनाउंस कैसे करना है विशुचा कट्टा आई थिंक सो मैंने आपको ये आपका नाम ठीक प्रनाउंस करा है थैंक यू सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ऑडियो बुक्स रिकॉर्डिंग टिप्स हिंदी मराठी बुक्स मैंने आपको रिप्लाई करा था कि मैं हिंदी और इंग्लिश में ही करता हूं बट आज हम ऑडियो बुक का ही एक स्क्रिप्ट पढ़ेंगे आप लाइव वॉइस ओवर करेंगे तो हमें बहुत सीखने को मिलेगा ए के फैक्ट्स वर्ल्ड कहते हैं जी ये लाइव ही हो रहा है इंडिया बाजार कहते हैं सर ए टू जी वॉइस ओवर का वीडियो सब कहाँ मिलेंगे सर uh, वो ग्राफी पे एक्चुअली कोर्स आया था बट उनका फॉर्मेट पूरा बदल चुका है तो वो कोर्स अवेलेबल नहीं है अगर मैं कहीं और लॉन्च करूंगा वो कोर्स तो इस चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन जरूर बता दूंगा देन आप लोगों का प्यार काफ़ी आया है बुक रिव्यू का स्क्रिप्ट बताइए सुमित गुप्ता कहते हैं अभी वही करने वाले हैं कामेश शर्मा जी कहते हैं सर कार्टून स्टोरी रीडिंग रीडिंग कैसे करें प्लीज रीड करके बताइए कार्टून का भी हम करते हैं और भी बहुत सारे हैं मैं सभी को जहाँ जहाँ यहाँ यहाँ जो रिप्लाई कर सकता हूँ जरूर करूँगा एंड रेस्ट सुमित कुमार जी पूछते हैं सर विच माइक यू यूज दिस टाइम आई ऑलवेज यूज़ ए के जी सी टू वन फोर मेरा प्राइमरी माइक है वो तो ऐसे ही और कमेंट्स हम सेंटे सेशन में भी करेंगे बट आप डेली डेली जो भी कमेंट्स करेंगे मैं उनका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा एंड लाइक आई आस्ट प्लीज़ डू मैंशन आप कहाँ से हैं मैं ये जानना चाहूँगा आप सभी कहाँ कहाँ से हैं तो चलिए अब वापस बढ़ते हैं अपने मेन सेशन की तरफ एंड देखते हैं ऑडियो बुक्स हमें कैसे परफॉर्म करनी है तो आज हम ऑडियो बुक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड ऑडियो बुक्स की जहाँ तक बात है अगर इंडिया से बाहर की बात करें अगर आप ऑडिबल पे भी ऑडियो बुक सुनेंगे तो एक डिबेट ऐसा चलता है कि कुछ लोग मानते हैं कुछ वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऐसे मानते हैं कि ऑडियो बुक्स जब आप परफॉर्म करेंगे आपको बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होना या एक्सप्रेसिव ज़्यादा एक्सप्रेसिव ही नहीं होना बट कुछ ये बिलीव करते हैं कि नहीं आप एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेशन दीजिए इमोशंस डालिए अपनी बुक रीडिंग में क्योंकि जितने आप एक्सप्रेसिव होंगे उतना ही आपका लिसनर जो है इंटरेस्ट दिखाएगा आपकी ऑडियो बुक में मेरा भी यही मानना है कि अगर आप एक्सप्रेसिव होंगे तो वो डेफिनेटली काम करता है इंडियन ऑडियो बुक्स में ये बहुत काम करता है तो ये आज हम हिंदी की एक ऑडियो बुक की प्रैक्टिस करने वाले हैं ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश की नहीं करूँगा नौ no. हिंदी की एंड इंग्लिश दोनों की करूंगा ज़्यादा हिंदी क्यों रहेगा क्योंकि ऑडियंस मैंने देखा है हिंदी के बारे में हिंदी ये रीडिंग्स के बारे में वॉइस ओवर के बारे में काफ़ी जानना चाहती हैं इसलिए बट इंग्लिश भी रहेगा एंड ये जो मेन देखिए मेन जस्ट क्या है सीखना जो टिप्स हैं जो निटिक हैं जो तरीके हैं करने के हाउ टू परफॉर्म ऑडियो बुक्स या कोई भी और जोन तो लैंग्वेज कोई भी हो इंग्लिश हो हिंदी हो मराठी हो पंजाबी हो गुजराती हो बंगाली हो कोई भी लैंग्वेज हो सभी में वही काम आता है तो सीखिए अपनी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करिए एंड प्लीज मेक श्योर ये मैं बरसों से कहता आ रहा हूं जब से चैनल चल रहा है डू प्रैक्टिस एंड बाई डू प्रैक्टिस आई मीन डेली प्रैक्टिस यस डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जिस तरह से आप डेली मोबाइल स्क्रोल करेंगे या कोई भी और एक्टिविटी करेंगे जिसकी आपको आदत है एक आदत इसकी बना लीजिए कि आप पाँच दस पंद्रह मिनट कोई ना कोई पन्ना या कोई ना कोई पेज कोई ना कोई चीज़ उठा के वॉइस ओवर की प्रैक्टिस करिए अगर आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो तो इस ये मुझे आर्टिकल या एक बुक का एक पेज मिला है इंटरनेट से ही आप टाइप करिए हिंदी बुक्स पी डाउनलोड वगैरह कुछ भी करिए आपको मिल जाएगा कोई ना कोई तो यह है देवता भी नहीं कर सकते अब ये शीर्षक है ठीक बिल्कुल प्लेन तरीके से भी नहीं बोलना लाइक देवता भी नहीं कर सकते नहीं देवता भी नहीं कर सकते आप में से किसी ने कुछ नोटिस करा मैंने देवता बी नहीं कर सकते बोला है बी नहीं होता भी होता है तो जो दा, दा, ये जो ब भ द, ध, ये सब जो हमारे वर्णमाला में चीजें होती हैं इनमें क्या होता है कि अक्सर गलतियां होती हैं और हमें पता नहीं चलता देखिए मैं भी यही मानता हूं जो भी क्लाइंट्स आप इंटरेक्ट करेंगे यही मानेंगे कि अल्टीमेटली अगर आप वॉइस ओवर्स करना चाहते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए आवाज पतली है मोटी है भारी नहीं है भारी है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्रोनाशिएशन नहीं है सही तो प्रोफेशनल काम नहीं मिलेगा ठीक है तो प्लीज प्रैक्टिस करिएगा देवता भी नहीं कर सकते किसी और वे में बोल के देखिए देवता भी नहीं कर सकते देवता भी नहीं कर सकते देवता देवता भी नहीं कर सकते देवता भी नहीं कर सकते किसी भी वे में आप अलग अलग जब भी आप कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं या प्रैक्टिस भी करते हैं एक ही लाइन को उठा के मल्टीपल तरीके से बोलिए जो आपको बेस्ट लगेगा वो रखिए ठीक है अब पहले तो आपको क्या करना है पूरी स्क्रिप्ट पढ़नी है उसका मतलब समझना है उसकी फीलिंग समझनी है आप पढ़ने लगे कहीं उसमें स्क्रिप्ट में एंगर आया कोई और इमोशन आया आपको पता ही नहीं आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप का वो इमोशन कभी डिपेक्ट ही नहीं हो पाएगा तो उसको पढ़िए अब मैं पढ़ चुका हूं एक बार ये स्क्रिप्ट तो मैं इसको आगे लाइन बाय लाइन करता हूं एक गुरु के दो शिष्य थे दोनों बड़े ईश्वर भक्त थे ठीक है ये लाइन है अब आपको इस तरह से पढ़ना है कि सामने वाले के पास लिखा हुआ तो कुछ नहीं है वो सिर्फ आपको सुन रहा है तो आपको इस तरह से सुने कि उसको सब कुछ समझ में आता रहे एक गुरु के दो शिष्य थे एक गुरु के दो शिष्य थे दोनों बड़े ईश्वर भक्त थे अब यहां पे मैंने क्यों स्माइल करा बिकॉज ईश्वर भक्त एक पॉजिटिव टर्म है ठीक है तो इस पर आप स्माइल करेंगे तो एक वैसा चीज डिपेक्ट हो गई कि हाँ एक स्टार्ट इज बिट है एक गुरु के दो शिष्य थे दोनों बड़े ईश्वर भक्त थे ईश्वर उपासना के बाद वे आश्रम में आए रोगियों की चिकित्सा में गुरु की सहायता किया करते थे अब यहां पे दूसरी चीज बहुत गौर करने वाली है कि आप कहां पर पॉज लेते हैं पॉज सही जगह पर लेना बहुत 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 जरूरी है कहीं और जगह पे पॉज लेता हूं फिर बताइए कैसा लगा ईश्वर उपासना के बाद वे आश्रम में आए रोगियों की चिकित्सा में गुरु की सहायता किया करते थे अब गुरु की के बाद मैंने पॉज लिया ये उतना इंपैक्टफुल नहीं लग रहा है जिस तरह अगर गुरु की से पहले आप पॉज लेंगे तो ईश्वर उपासना के बाद वे आश्रम में आए रोगियों की चिकित्सा में गुरु की सहायता किया करते थे ठीक है तो आप जब सेंटेंस पढ़ते हैं आपको यह भी गौर करना है कि आपको पॉज कहां पर लेना है और पॉज कितनी देर के लिए लेना है वो भी बहुत मैटर करता है एक दिन उपासना के समय ही कोई कष्ट पीड़ित रोगी आ पहुंचा एक दिन उपासना के समय ही कोई कष्ट पीड़ित रोगी आ पहुंचा गुरु ने पूजा कर रहे, रहे शिष्यों को बुला भेजा गुरु ने पूजा कर रहे गुरु ने पूजा कर रहे शिष्यों को बुला भेजा शिष्यों ने कहला भेजा अब क्या था गुरु ने कहा कि भाई शिष्य जाएं और शिष्यों ने कहला दिया मतलब बता दिया कि यह कह दिया जाए गुरु ने पूजा कर रहे शिष्यों को बुला भेजा शिष्यों ने कहला भेजा अभी थोड़ी पूजा बाकी है पूजा समाप्त होते ही आ जाएंगे अब ये एक डायलॉग है तो आप इसको और नैचुरली बोलने का ट्राई करिए अभी अभी थोड़ी पूजा अभी थोड़ी पूजा बाकी है अभी थोड़ी पूजा बाकी है पूजा समाप्त होते ही आ जाएंगे ठीक है या फिर और किसी वे में अभी थोड़ी पूजा बाकी है पूजा समाप्त होते ही आ जाएंगे इस तरह से आपने नेचुरली उसको बोल दिया गुरुजी ने दोबारा फिर आदमी भेजा इस बार शिष्य आ गए पर उन्होंने अकस्मात बुलाए जाने पर अधैर्य व्यक्त किया वक्त नहीं व्यक्त अब गुरुजी ने फिर किसी को बोला कि शिष्य को भेजे बट शिष्य हो गए कि भाई इतनी जल्दबाजी किस बात की गुरुजी ने दोबारा गुरुजी ने दोबारा फिर आदमी भेजा इस बार शिष्य आ गए पर उन्होंने अकस्मात बुलाए जाने पर अधैर्य व्यक्त किया गुरु ने कहा मैंने तुम्हें इस व्यक्ति की सेवा के लिए बुलाया था प्रार्थनाएं प्रार्थनाएं तो देवता भी कर सकते हैं किंतु अकिंचनों की सहायता तो मनुष्य ही कर सकते हैं सेवा प्रार्थना से अधिक सेवा प्रार्थना से अधिक ऊंची है ठीक है सेवा प्रार्थना से अधिक ऊंची है क्योंकि देवता सेवा नहीं कर सकते बिल्कुल अब ये एक डायलॉग है जो कि गुरु जी बोल रहे हैं तो वो जो कहना चाहते हैं वो सामने अच्छे से व्यक्त हो मैंने तुम्हें इस व्यक्ति की सेवा के लिए बुलाया था प्रार्थनाएं तो देवता भी कर सकते हैं किंतु अकिंचनों की सहायता तो मनुष्य ही कर सकते हैं सेवा प्रार्थना से अधिक ऊंची है क्योंकि देवता सेवा नहीं कर सकते शिष्य अपने कृत्य पर बड़े लज्जित हुए कृत्य यानी जिन्होंने करा शिष्य अपने कृत्य पर बड़े लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व देने लगे यानी प्रार्थना से ज्यादा सेवा को इंपॉर्टेंस देने लगे तो वे लास्ट लाइन उसी तरह बोलते हैं कहां पे आपको स्ट्रेस देना है कहां पे पॉज देना है उस चीज का ध्यान रखिए शिष्य अपने कृत्य पर बड़े लज्जित हुए अब देखिए जब ये लज्जित वाला वर्ड आ जाता है तो जैसे मैंने कहा था ना हर सेंटेंस में कोई ना कोई आपको एक ऐसा वर्ड मिलेगा जो कि आपको हिंट देगा कि उसमें कैसे एक्सप्रेशन रखना है लज्जित है यानी इंबेरेस्ड तो इंबेस्ड जब आप होते हैं कैसे एक्सप्रेशन आता है आप ऐसा तो नहीं होते चौड़े में हो रहे हैं नहीं ना शिष्य अपने कृत्य पर बड़े लज्जित हुए शिष्य अपने कृत्य पर बड़े लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व देने लगे ठीक आई होप आपने समझा होगा कहां पे स्ट्रेस देना है कहां पे पॉज लेना है, है कौन सा एक्सप्रेशन देना है डायलॉग है तो किस तरह से बोलना है इससे ज्यादा आप ओवर एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग से अगर देखें एक गुरु के दो शिष्य थे दोनों बड़े ईश्वर भक्त थे ईश्वर उपासना के बाद वे आश्रम में आए रोगियों की चिकित्सा में गुरु की सहायता किया करते थे एक दिन उपासना के समय ही कोई कष्ट पीड़ित रोगी यह पहुंचा नहीं भाई ये ओवर हो रहा है कंट्रोल करके थोड़ा सा इसको नॉर्मल टोन में बोलना है तो आपको आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा और कल मिलते हैं फिर से किसी और टॉपिक पर बात करते हैं एंड आपको ये ट्रेंड ये सीरीज कैसी लग रही है ये भी मुझे बताइएगा आप जिस जिस जो जो कमेंट करते हैं मैं वो सभी पढ़ता हूँ और मुझे पढ़ के अच्छा लगता है एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं रोज़ आऊँगा और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा के जाऊँगा तो मिलते हैं कल के सेशन में तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और वही सब जो हर चैनल में करवाते हैं शेयर कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए मिलते हैं कल बाय बाय